ना यहाँ विकास के नाम पे अगर पूछा जाए तो कुछ भी नहीं है, और विनाश के नाम पे पूछा जाए तो अनेकों है। विधायक जी को लोग सोचा कि फंसा कर हम जंग जीत जाएंगे, तो हम जंग जीतने नहीं जाएंगे, हर मोड़ पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज चुनाव आया तो मैया योजना चला रहे हैं, हजारों हजारों महिलाएं आ रही हैं कि 6-6 महीना से पेंशन बंद है, वही पेंशन बंद कर और मैया योजना चला रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, झारखंड की जनता को? लेकिन हम लोग चुनाव आने से पहले इस तरह से हम लोग लोभन नहीं देते हैं। ये ठगबंधन की जो सरकार है, सिर्फ एक महीना के लिए ऑफर देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना चला रही है, हम लोग भी दे सकते थे लेकिन नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोग भी वादा किए हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 11 तारीख को 2100 रुपया मैया के खाते में हम लोग डालेंगे। हम अपने युवा साथी को भी बेरोजगार जो भत्ता है हम लोग 2200 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। झरिया की जनता को हम ऐसे दे रहे हैं कि ऐसे ठगबंधन सरकार से, ऐसे गठबंधन सरकार से, ऐसे लुटेरे सरकार से, ऐसे हत्या करवाने सरकार से, ऐसे लुटेरे सरकार से बच के रहें। झरिया से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि भाजपा ने एक बार फिर से आप पर भरोसा दिखाया। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मेरे दोबारा मुझ पर आस्था जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी, माने हमारे जेपी नड्डा जी, माने अमित शाह जी, आदरणीय हमारे राजनाथ सिंह जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, सभी हम अपने नेतागण को दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने मेरे पे दोबारा आस्था जताया। 2019 में आपने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात को रखा था, 2024 विधानसभा का चुनाव, किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना है? देखिए, मुद्दा ही मुद्दा है। इन 5 सालों में ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार जब से बनी है, मुझे लगता है कि झारखंड की जनता, चाहे युवा साथी है या हमारे महिलाएं हैं, हमारे बच्चियां हैं या हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे किसान हैं या हमारे मजदूर भाई हैं या हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे झारखंड में या हमारी आदिवासी बहनें हैं, कोई खुश नहीं है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकती है? ना यहाँ विकास के नाम पे अगर पूछा जाए तो कुछ भी नहीं है, और विनाश के नाम पे पूछा जाए तो अनेकों है। 2019 में आपने कहा था कि कुछ कुछ चूक हुई थी आपसे, क्या उस चूक को आपने सुधारा और किस तरीके से आगे बढ़ना है? अब रणनीति क्या रहेगी रागिनी सिंह की? देखिए, मेरे से अगर जो भी चुकी हुई है, पहली उपलब्धि तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं 5 साल लोग जीत कर फील्ड में नहीं रहते हैं, लेकिन मैं लगातार प्रयास की हूँ कि जनता की आवाज़ बनकर और उनकी हर सुख दुख मैं खड़ी रही हूँ, और मेरे से जितना बन पड़ा, चाहे कोरोना काल हो या धूप या पानी या छांव, कभी हम नहीं देखे, घर से हम निकलते रहे। विपक्षी द्वारा लगातार मेरे पे प्रेशर रहा, प्रशासन द्वारा, और हर तरह से मेरे पे हमला हुआ। मेरे पे एक महिला होकर लोगों ने ये नहीं देखा कि महिलाएं हैं, महिला हैं, लेकिन अपना ये घटिया चाल चलने से बाज नहीं आया। लेकिन हम भी डटे रहे, क्योंकि एक राजपूत का खून है और हमारे ससुर जी एक मजदूर मसीहा कहलाते हैं, मजदूरों की लड़ाई लड़े हैं, गरीब से जुड़े हुए हैं, गरीब एक बहुत जमीनी सतर से जुड़े हुए हैं, और वो अपने संस्कार में सिखाएं अपने बच्चों के अंदर, और वो संस्कार हम 20 साल इस परिवार में रहे और देखे। हम राजनीति में नहीं रहे,
हम एक किसान की बेटी हैं, एक मजदूर की बहू हैं और बहुत ही अच्छे तरह से इस परिवार में देखे हैं, सुने हैं और इस परिवार के कल्चर में ढले और बहुत तरीके से जो संस्कार मुझे मिली माता कुंती जी से, मैं प्रयास कर रही हूँ कि जनता की हर सुख दुख में मैं खड़ी रहूँ। और जनता हमारे झरिया तो मेरा कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि के साथ मैं जुड़ी रहूँगी। अगर घर से चौखट से दहलीज मैं पार की हूँ तो निश्चित तौर से मैं हर समस्या का निदान करूंगी। झरिया की जो वर्तमान विधायक है वो लगातार अपनी उपलब्धि गिनाती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि आरएसपी कॉलेज हो या फिर जहां जहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ था वहां वहां उन्होंने सड़क का निर्माण कराया। आप लगातार जिस तरीके से आपका कहना है कि 5 साल आप ज्यादा सक्रिय रही, लोगों से मुलाकात की, हार के बावजूद भी आप लोगों तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की, तो क्या लगता है सही में काम हुआ है या फिर आपको ऐसा लगता है कि और भी विकास का कार्य हो सकता था झरिया में? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना उचित नहीं लगता, वो तो झरिया की जनता बता रही है, वहाँ के बच्चे बच्चे बता रहे हैं, वहाँ के युवा बता रहे हैं, वहाँ के बुजुर्ग बता रहे हैं, वहाँ के मातृशक्ति बता रही हैं, वहाँ के मजदूर भाई बता रहे हैं, वहाँ के जितने भी हमारे झरिया की हमारे जनता जनान जितने भी हमारे हैं सभी वहाँ के एक एक व्यक्ति आवाज उठा रहे हैं। और 5 साल विकास तो कोसों दूर रहा, विकास तो छोड़ दीजिए, झरिया हमारी, वहाँ के लोग, वहाँ के व्यापारी, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की हमारी बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। और झरिया के जो हाल रहा, यूं कहे तो अंग्रेजों को शासन काल, वहाँ शासन काल से मुझे मुक्ति दिलाना है। आपके जो अपोजिट में है पूर्णिमा नीरज सिंह, कांग्रेस की ओर से उन्हें इस बार भी टिकट मिला है, लगातार वो न्याय की गुहार भी लगा रही हैं। उनका कहना है कि सभी को न्याय मैंने दिलाया है, अब मैं चाहती हूँ मुझे भी न्याय मिले। हत्या की राजनीति का आरोप भी आप लोगों के ऊपर लग रहा है, आप इसको किस रूप में ले रही है, आपका क्या कहना है इस पर? मुझे लगता है कि उनके रीजन में 100 से अधिक हत्याएं झरिया में हुई हैं और आज भी एक जन प्रतिनिधि होने के नाते न्याय तो दूर, उनके घर में आंसू, उस बच्चे को आंसू पोंछने तक नहीं गई, ये दुर्भाग्य की बात है। आज भी किसी की माँ, किसी की पत्नी इंतजार में, आज न्याय की इंतजार में बैठी हैं और उन्हीं का समर्थन, उन्हीं का घर वाले हत्या, रंगदारी के मामले में हत्या कराया गया, तो हत्या की राजनीति उन्होंने की है और हत्यारत उनके साथ घूम रहा है, वो क्या न्याय दिलाएंगे? आप एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी और काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा होगा, अचानक से आपको फील्ड में उतरना, कितनी परेशानी हुई, अब हद तक आपको क्या लगता है कितना काम आपने किया है, क्योंकि आपने कहा कि 5 साल आप काफी सक्रिय रही हैं। देखिए, ये मुझे बोलने में कोई एक मतलब दिक्कत नहीं होती है, हम बाकायदा हम घर में रहे, घर संभाले, एक ज्वाइंट फैमिली से हम मायके में रहे, ससुराल में भी आए, लोग आए अपने, कौन कहाँ से आए तो मुझे नहीं पता, लेकिन घर आते ही घर तोड़ना शुरू कर दिए, ये तो मुझे देखने को मिला, लेकिन हम ज्वाइंट फैमिली में रहे, चाहे ससुराल है या मायके में है, लेकिन मुझे कोई राजनीति में शौक नहीं रहा, बहुत मजबूरी में, क्योंकि हमारे ससुर जी का विरासत रहा, ये झारखंड की जनता ही नहीं, पूरे बिहार और यूपी, यूँ कहे तो देश और विदेशों में भी लोग नाम जानते हैं। तो हमारे ससुर जी वैसे स्थिति में छोटे छोटे मासूम बच्चे को, अब यूँ कहे तो भगवान के प्यारे हो गए, अच्छे लोग भगवान को भी अच्छे लगते हैं, तो अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार को, शायद परिवार नहीं संभाल पाए, फिर राजीव रंजन जी संभाले, जो कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें भी हाथ हमारे परिवार का भी था, षड्यंत्र रचा गया, उन्हें भी षड्यंत्र के तहत हत्या कराया गया, क्योंकि उनका लोकप्रियता उनके पिताजी के जैसा बहुत तेजी से फैल रहा था,
तो उन्हें भी इस तरह से किया गया। फिर उनके लोग कुछ दिन में माता कुंती जी कमांड चलाई, माता जी को हम लोग, उसके बाद जनता का अपार प्यार स्नेह मिला। माँ कुंती जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा विकास हुआ और झरिया की जनता, धनबाद की जनता बहुत ही सराखों पे यूं कहे तो रखा मतलब। लेकिन जैसे ही विधायक जी एंट्री लिए, उनका भी पिताजी के जैसा स्नेह और प्यार यूं कहे तो और बहुत ही लोकप्रियता बढ़ा, जिसको देखते हुए विपक्षियों को खौलने लगा। क्योंकि लोग अपने बदौलत तो राजनीति करते नहीं हैं, लोग दूसरे में बना, जैसे कहा जाता है ना कि बना बनाए हमको खाना खाना है, लोग बना के खाना नहीं चाहते हैं। हम तो गर्व से बोलते हैं कि पार्टी मुझे जहां भी देगी हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों को जहां बना बनाए रहेगा वहीं खाएंगे। हमारा कर्म भूमि है इसलिए हम वहां लड़ते हैं, लेकिन किसी का वहां कुछ नहीं है। पूरे कोयलांचल के लोग जानते हैं कि स्वर्गीय सुरदेव सिंह जी यहाँ लाए, सबको बसाए किए। सुरदेव सिंह जी को किसी ने नहीं लाया और सबको लाए बसाए, तो निश्चित तौर से उनके बच्चे का अधिकार बनता है। लेकिन किसी का महंत कंछा बहुत ज्यादा और किसी का षड्यंत्र था जो परिवार को तोड़ दे, बिखार दे और हम अपना राजनीति करें, तो विधायक जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। क्योंकि एक गरीब का मसीहा का बेटा थे और एक गरीब परिवार के लिए आवाज उठाए एक जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि उनका एक सच्चा जनप्रतिनिधि का वही होता है कि कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम आवाज उठाएंगे। लोगों को खोला कि भाई हमारे लिए आवाज नहीं उठा, हमारा मन पाप को ढकना चाहिए, तो एक गरीब गुरबा के लिए ये लड़ रहे हैं, तो इसीलिए उनको फंसा दिया गया। और आज हम भी, मेरे झरिया की जनता के साथ जिस तरह से 5 साल हत्याएं हुई हैं उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं 5 साल। हम जिस तरह से आप देखिए कि चाहे प्रवीण यादव के कहा जाए तो, निरंजन दाती के कहा जाए तो, या आप धनंजय यादव को कहा जाए तो, या किस मतलब अनेकों हत्याएं हुई हैं जिसका परिवार आज भी गुहार लगा के बैठे हुए हैं। आपने कहा कि अनेकों हत्याएं हुई हैं, अगर आप विधायक बनती है तो कैसे आगे चीजों को लेकर जाएंगी, कैसे रोकथाम करेंगी, क्या रोड मैप आपने तैयार कर रखा है? मेरी एक ही लक्ष्य है कि उन परिवारों को न्याय दिलाना, क्योंकि उन परिवारों के साथ आप देख लीजिए कि हम लगातार आवाज उठाए हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष को खुद जन प्रतिनिधि के देवर खोले हम गोली मारे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। दूसरी बात की आप देखे होंगे कि किस तरह से सत्ता के नशे में और दारू के नशे में रॉन्ग साइड से राणा दास को, परिवार के एक मासूम बच्चे को अनाथ बना दिया गया और बोला जा रहा है कि बच्चे को तो पैसे से हम लोग पाल देंगे। तो ये मतलब धनबाद की जनता भूली नहीं है, एक मासूम बच्चे को अनाथ बना दिया जा रहा है। तो ऐसे हत्या करवाने वाले जन प्रतिनिधि और ऐसे सरकार को झारखंड की जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है इस बार। हत्या की राजनीति करने वाले और ऐसे भ्रष्ट सरकार को, ऐसे निकम्बी सरकार को, जो गुंगी बहरी सरकार, जो ऐसे सरकार में अनेकों हत्याएं हुई है, अनेकों रंगदारी मांगी गई है और हर घर में आप जाके पूछिए कि रंगदारी के लिए किसका फोन गया है। खुद जन प्रतिनिधि के घर से अपराधी तत्व के लोगों का प्रशासन बताएगी कि किसका घर से लोग मिले हैं। तो ऐसे ऐसे अनेकों कार्य हैं जो पूरी झारखंड की जनता जानती है और इतिहास है। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है और हर मामले में विधायक जी को लोग सोचा कि फंसा कर हम जंग जीत जाएंगे, तो हम जंग जीतने नहीं देंगे। हर मोड़ पर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, आपका कहना था कि झरिया आपका कर्म भूमि है,
आप शॉर्टलिस्ट तो की होंगी चीजें कि अगर आप विधायक बनती है तो क्या क्या काम करना है, कौन से काम अधूरे हैं, कैसे यहाँ की जनता को फायदा देना है। जनता को पहले भी हम लोग विकास के मामले में पूछा जाए तो 19 के जो चाहे 5 में बोला जाए माता कुंती जी के रीजन में है, या 9 का बोला जाए या 14 में बोला जाए, लगातार हम लोग विकास किए हैं। विकास आप मतलब अभी समय बहुत कम है, विकास का अगर डाटा दिखाएं तो अनेकों है। आप देखिए ना 20 साल पहले का रोड, आप आज भी झरिया में हम आपको चल कर घूम घूम कर दिखा देंगे, अग्नि प्रभावित एरिया में दूभस धसान एरिया में हम लोग रोड का काम कराए हैं, जो आज भी रोड में एक भी गिट्टी नहीं निकला है, लेकिन यहाँ 10 करोड़ के लागत के रोड में 10 दिन भी नहीं चला। आज जाके देखिए कि बैंक मोड़ से लेकर कतरास मोड़ चौड़ीकरण हम लोग का रीजन का है, आज चाहे बनिया हीर से लेकर यहाँ से देखिए इंदिरा चौक से लेकर आगे बनिया हीर हनुमानगढ़ तक चले जाइए, हम लोग का ही रोड बना हुआ है चौड़ीकरण, चाहे वो आज भी रोड चकाचक है, चाहे झरिया में कहीं भी आप जाके देखिए, लोग वहां के बोलते हैं कि अगर रोड एक लेयर हटा दिया जाए तो रोड आज भी बहुत खूबसूरत है, या पाइपलाइन का कनेक्शन, या गौशाला में जाके देखिए सौंदर्यीकरण हम लोग का रीजन है। आज डिग्री कॉलेज देखिए हमारी बच्चियां लाभ उठा रही है, आज पाइपलाइन का देखिए हर जगह हम लोग आज भी पानी अगर झरिया को मिल रहा है तो हमारा रीजन है। आज पानी का घोर समस्या है, हर घर नल जल जो 312 करोड़ का योजना पास विधायक जी कराए थे, उस ये सरकार धरातल पर नहीं तो झरिया में घोर पानी की समस्या है, वो सबसे पहले विधायक जी पास कराए, लेकिन ये निकम्मी सरकार की वजह से, नहीं तो आज घर घर नल जल पहुंच जाते तो लोगों का समस्या दूर हो जाती, लोग उसको धरातल पर नहीं उतारा। अच्छा रागिनी जी, आप महिलाओं के हित में बात करती हैं, सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया, खाते में पैसे भी आ रहे, उनका कहना है खटाखट पैसे जो है हर महीने आएंगे, इस पैसे को बढ़ा दिया जाएगा, 2500 कर दिया जाएगा। बीजेपी की ओर से गोगो दीदी योजना का शुभारंभ किया गया, इसको लेकर आपके जो ऑपोजिट में लोग खड़े हैं यानी कि पूर्णिमा नीरज सिंह, उनका कहना है कि इससे जो डाटा है महिलाओं का वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक हो जाएगा, तो इससे फायदा जो है महिलाओं को नहीं मिलेगा, इसको किस रूप में ले रही हैं आप? जैसे उनकी सरकार, जैसे वो लोग सिर्फ ठगने के आज तक काम किया है, झरिया की जनता ठग महसूस कर रही है, उसी तरह पूरे कोयलांचल के लोग ठग महसूस कर रहे हैं। आज युवा जितने भी झारखंड की सरकार युवाओं से रोजगार 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, क्या किए? कुछ नहीं दिए। आज चुनाव आया तो मैया योजना चला रहे हैं, हजारों हजारों महिलाएं आ रही हैं कि 6-6 महीना से पेंशन बंद है, वही पेंशन बंद कर और मैया योजना चला रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? झारखंड की जनता को, झरिया की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? झरिया की जनता इतनी बेवकूफ दिख रही है? झरिया की जनता, आज भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना चला रही है, हम लोग भी दे सकते थे लेकिन नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम लोग भी वादा किए हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो 11 तारीख को 2100 रुपया मैया के खाते में हम लोग डालेंगे। हम अपने युवा साथी को भी बेरोजगार जो भत्ता है हम लोग 2200 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे, और हम लोग भी युवाओं के लिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग युवाओं को रोजगार देने के काम करेंगे, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग चुनाव आने से पहले इस तरह से हम लोग लोभन नहीं देते हैं। ये ठगबंधन की जो सरकार है सिर्फ 1 महीना के लिए ऑफर देते हैं, हमारे झरिया विधानसभा में भी जाइएगा तो ऑफर ही ऑफर चल रहा होगा, तो हमारे झरिया की जनता युवा साथी जितने भी हैं सब सावधान है इस बार, और कमर कस के तैयार हैं इस बार सोनिया गांधी को खदेड़ने के लिए। झरिया की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा?
झरिया की जनता को हम ऐसे दे रहे हैं कि ऐसे ठगबंधन सरकार से, ऐसे गठबंधन सरकार से, ऐसे लुटेरे सरकार से, ऐसे हत्या करवाने सरकार से, ऐसे झूठे वादे करने वाले सरकार से, युवा विरोधी सरकार से, महिला विरोधी सरकार से, किसान विरोधी सरकार से, और ऐसे हमारे जितने भी झारखंड के जनता से और खास करके अपने झरिया के जनता से, ऐसे लुटेरे सरकार से बच के रहे और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे, ताकि आने वाले समय में हम लोग डबल इंजन की सरकार बनाए और फिर से झारखंड में विकास की नदियां बने बहे, और हम लोग झरिया विधानसभा से बहुत बड़ा कमल फूल खिलाने जा रहे हैं। यह निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है, नहीं पूरे विश्वास है, और झरिया की जनता खूबसूरत कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने का काम करेगी, ये विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अपने ससुर जी की विरासत संभाल रही है रागिनी सिंह, और इनका कहना है कि इस बार ये चुनावी मैदान में है, कई मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी। साथ ही साथ इनका कहना है कि विकास का कार्य उतना नहीं हुआ है, अगर ये विधायक बनती है तो विकास का कार्य तेजी में ये लेकर आएंगी। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप।